That are made from 3 में हमने देखा है जो ऊनी कपड़े होते हैं वे एनिमल फाइबर्स से बनते हैं वही यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स चैप्टर थ्री में ही हमने देखा है कि जो कॉटन क्लोथ होते हैं जो सूती कपड़े होते हैं वे प्लांट फाइबर्स से बनते हैं वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स वेन इट इज कोल्ड आउट साइड हम ऊनी कपड़े ठंडी के दिनों में पहनते हैं जब बाहर ठंड होती है वुलन क्लोथ्स अस वार्म ये वुलन क्लोथ्स ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स वेन इट इज हॉट हम हल्के रंग के सूती कपड़े गर्मी के दिनों में पहनना पसंद करते हैं दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस और ये हल्के रंग के सूती कपड़े हमें ठंडक का एहसास कराते हैं यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुइटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन आपको यह आश्चर्य हुआ होगा कि कुछ खास तरह के कपड़े एक खास सीजन में क्यों सुइटेबल होते हैं इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस ठंड के दिनों में हमें घर के अंदर ठंड लगती है इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म और जब हम सनलाइट में आ जाते हैं सूरज के प्रकाश में आ जाते हैं तब हमें गर्मी लगती है ठंडी के दिनों में इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस और गर्मी के दिनों में हमें कमरे के अंदर भी गर्मी लगती है और सनलाइट में आने पर तो और ज़्यादा गर्मी लगती है हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड हम ये कैसे जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एंड ऑब्जेक्ट इज हम ये कैसे जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है इन दिस चैप्टर वी दिसर ट्राई टू सीक सी टू समीज क्वेश्चन इस चैप्टर में हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे 4.1 पॉइंट वन हॉट एंड कोल्ड इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सम सम ऑफ ऑफ देम देम आर हॉट एंड आर कोल्ड हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं जिनमें से कुछ गर्म और कुछ ठंडे होते हैं टी हॉट एंड आइस इज कोल्ड जैसे की चाय अक्सर गर्म होती है और आइस ठंडी कोल्ड नीचे है टेबल फोर पॉइंट वन यहाँ पे यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम बताए गए हैं इन्हें हमें हॉट या कोल्ड में क्लासीफाई करना है जैसे की आइसक्रीम को बताया गया है की ये कोल्ड होता है ठंडा होता है जनरली वही अगर एक चम्मच की बात करें जो चाय के कप में रखी गई है तो वो जनरली गर्म होगी वहीं अगर फ्रूट जूस की बात करें तो वो आमतौर पर ठंडा होता है और हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन की बात करें तो जब फ्राइंग पैन ओवन पर होता है तो उसका हैंडल अक्सर गर्म होता है डो नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट बी केयरफुल वाइल्ड हैंडलिंग कैंडल फ्लेम और अ स्टोव ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा गर्म हैं उन्हें नहीं छुएं और कैंडल के फ्लेम या स्टोव के फ्लेम को हैंडल करते वक्त सावधानी रखें वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट ठंडे हैं वहीं कुछ गर्म हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट से ज्यादा गर्म होते हैं वहीं कुछ दूसरे से ठंडे होते हैं हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर दैन द अदर हम ये कैसे पता करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म है वी ऑफ़न डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट बट इज आर सेंस ऑफ टच रिलाएबल लेटस फाइंड आउट एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म है या कम गर्म है इसका पता हम उस ऑब्जेक्ट को छूकर लगाते हैं लेकिन ये छूकर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को पता लगाने का तरीका क्या रिलायबल है क्या भरोसेमंद है आइए इस एक्टिविटी 4.1 में देखें टेक थ्री स्मॉल ट्यूब्स और कंटेनर्स लेबल दम एज ए बी एंड सी इस तरह के तीन कंटेनर्स लेने हैं हमें और इनका नाम लिख देंगे ए बी और सी पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी कंटेनर ए में हम कोल्ड वाटर रखेंगे कंटेनर बी में हम हॉट वाटर रखेंगे मेक श्योर दैट द वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड आप ध्यान रखें कि पानी इतना गर्म न हो कि आपकी हाथ जला दे मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी कंटेनर सी जो आखिरी वाला कंटेनर है उसमें हम कंटेनर ए और बी के वाटर को मिलाकर रखेंगे हॉट और कोल्ड वाटर को मिक्स करके रखेंगे इसका मतलब है कि कंटेनर सी में हमारा नॉर्मल वाटर होगा कंटेनर ए में हॉट और कंटेनर बी में कोल्ड वाटर है नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी अब हमें कंटेनर ए में अपना बायां हाथ लेफ्ट हैंड डुबोना है और कंटेनर बी में दाहिना हाथ राइट हैंड डुबोना है आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू कंटेनर फॉर टू टू थ्री मिनट्स पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी कंटेनर ए और कंटेनर बी में अपने दोनों हाथों को दो से तीन मिनट तक रखने के बाद हम अपने दोनों हाथों को कंटेनर सी में रखेंगे एक साथ साइमल्टेनियसली डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग तो अभी जब आपने अपने दोनों हाथ अलग अलग कंटेनर में रखे हुए थे तो आपको दो तरह की फीलिंग मिल रही थी कंटेनर ए से आपको गर्मी की फीलिंग मिल रही थी और कंटेनर बी से आपको ठंडक महसूस हो रही थी क्योंकि कंटेनर ए में गर्म और कंटेनर बी में ठंडा पानी था वही कंटेनर सी में अब नॉर्मल पानी है आपका एक हाथ पहले से गर्म था और दूसरा ठंडा आपने जब अपने दोनों ही हाथ इस नॉर्मल वाटर में रखे तो आपके गर्म हाथ को अभी भी गर्मी महसूस हो रही होगी और ठंडे हाथ को ठंडक लेकिन पानी बिल्कुल ही नॉर्मल है तो यहाँ पे हमारी जो टेम्परेचर सेंस करने की एबिलिटी है वो सही से काम नहीं कर पाती इस कंडीशन में बुजो सेज माय लेफ्ट हैंड Tells me that the water in mug C is hot and the right hand tells me that the water is cold what should i conclude बुजो कहता है कि मेरी जो लेफ्ट हैंड है वो कह रही है कि कंटेनर सी का जो पानी है वो गर्म है और मेरी राइट right हैंड ये कह रही है कि कंटेनर सी का पानी जो है वो ठंडा है तो मैं किसकी बात मानू मैं क्या कंक्लूड करूँ तो ऐसा बुझो को इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि लेफ्ट हैंड पहले गर्म पानी के कंटेनर में रखा हुआ था और राइट हैंड ठंडे पानी के कंटेनर में रखा हुआ था तो वो फीलिंग अभी भी कंटिन्यूड है क्योंकि हाथ गर्म और ठंडे थे इसलिए ये अलग अलग फीलिंग है Shows that we भरोसा नहीं कर सकते, तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें ये पता चला कि छूकर टेम्परेचर को महसूस करने की जो हमारी क्षमता है उस पे हम हमेशा भरोसा नहीं कर सकते वो कभी कभी हमें धोखा भी दे सकती है समटाइम्स इट में डिसीवर्स डिसीव मतलब धोखा देना कभी-कभी हमें धोखा भी दे सकती है। देन हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज तो अगर हम छूकर पता नहीं कर सकते कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है तो हम कैसे पता करें और रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस ऑब्जेक्ट कि कितना गर्म है इसका मेजर टेम्परेचर होता है इसे हम टेम्परेचर में मेजर करते हैं टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज़ करते हैं हम जिसे थर्मोमीटर कहा जाता है तो आपसे कोई पूछेगा कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम थर्मोमीटर यूज़ करते हैं और थर्मोमीटर बहुत तरह के होते हैं हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए अलग तरह का थर्मोमीटर यूज़ करते हैं वहीं लेबोरेटरी में टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए अलग तरह का थर्मोमीटर यूज़ होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे आइए देखते हैं कि थर्मोमीटर का यूज करके टेम्परेचर को एक्चुअली मीजर किया कैसे जाता है मीजरिंग टेम्परेचर है थर्मोमीटर देखा है टेम्परेचर वॉज अ थर्मोमीटर याद कीजिए जब आपको या फिर आपके परिवार में किसी को बुखार हुआ हो तो उनके टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मीजर किया गया होगा द थर्मोमीटर दैट मीजर्स आर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मो मीटर तो जिस थर्मोमीटर से हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मीज़र करते हैं उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है इसे आप कैसे याद रख सकते हैं इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है जनरली बुखार में फीवर में और ये एक तरह की बीमारी है और बीमारी के लिए हम कहा जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास क्लिनिक होता है तो कुछ यही कारण है कि इसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं कि ये थर्मोमीटर क्लिनिक्स में यूज होता है डॉक्टर यूज करते हैं इसे ये जस्ट एनोलॉजी के लिए है आप रिलेट कर पाए इसलिए है बहरहाल थर्मोमीटर जिससे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं वो क्लिनिकल थर्मोमीटर है होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कुछ हमारा ऐसा होता है आप इस थर्मोमीटर को हाथ में लेकर ऑब्जर्व कीजिए एग्जामिन कीजिए इफ यू डो नॉट है थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू अगर आपके पास एक थर्मोमीटर नहीं है तो आप अपने दोस्त से कहिए कि वो आपको शेयर करें अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2 यह फिगर 4.2 क्लिनिकल थर्मोमीटर ऐसा दिखता है अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट्स ऑफ लोंग नैरोफॉर्म ग्लास ट्यूब एक क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर एक बड़ा लंबा ग्लास का ट्यूब होता है इट हैज अल्ब एट वन एंड इस ट्यूब के एक सिरे पर यहाँ एक बल्ब लगा होता है जो चमकीला सिरा है उसे बल्ब कह रहे हैं दिस बल्ब कंटेंस मरकरी इस बल्ब में मरकरी होता है मरकरी वो चमकीला मैटर है जो थर्मोमीटर के अंदर पाया जाता है

द स्केल वी यूज इज सेल्सियस स्केल जो स्केल हम यूज करते हैं वो सेल्सियस स्केल है पहले Fahrenheit scale यूज किया जाता था अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टू फोर्टी टू डिग्री एक क्लिनिकल थर्मोमीटर के टेम्परेचर मीजर करने का रेंज थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस से फोर्टी टू डिग्री तक होता है बुझो वंडर्स विच ऑफ द टू स्केल्स सोन इन फिगर फोर पॉइंट टू ही फिगर 4.2 में यहाँ पे दो स्केल्स दिखाए गए हैं नीचे वाला फॉरन है ऊपर वाला सेल्सियस है बुझो अब ये सोच रहा है कि वो टेम्परेचर किस चीज में रीड करे सेल्सियस वाले स्केल में रीड करे वाले स्केल में रीड करे पहली दैट इंडिया हैज हैजॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल पहली ने बुझो को कहा कि इंडिया ने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में ही रीड करना चाहिए द अदर स्केल विथ रेंज नाइन्टी फोर टू हंड्रेड एट डिग्री इज द फॉरन

तो जिस तरह एक बड़ी डंडी यहाँ 36 के पास है और दूसरी 37 के पास तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक है 37 सेवन माइनस थर्टी करेंगे तो आपको वन मिलेगा ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन शोन दीज मार्क्स तो दो बड़े बडे लाइनों के बीच में जो छोटे-छोटे लाइंस उन्हें भी काउंट कीजिए. स्मॉल डिविजन कैन रीड वन बाई फाइव दैट इज जीरो पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं कि दो बड़ी डंडियों के बीच में एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस है और इनके बीच में पांच छोटे छोटे लाइंस हैं, तो हर जो छोटा सेल होगा जो छोटी जगह होगी वो हमें वन बाई फाइव दैट इज जीरो पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखाएगी डिनोट करेगी आप इस वाले थर्मोमीटर में अगर देखें तो यहाँ 36 और 37 के बीच में आपको दस डिविजन्स दिखाई देंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ का जो एक छोटा सा सेल है वो हमें ध्यान देने चाहिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते वक्त वो क्या है उसके बारे में देखते हैं थर्मोमीटर शुड बी वॉस्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन थर्मोमीटर को यूज करने के पहले और यूज करने के बाद धोना चाहिए और अगर संभव हो तो एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना चाहिए दैट बिफोर यूज द मरकरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस थर्मोमीटर को यूज करने से पहले आप ये टेम्परेचर sure की रीडिंग है थर्मोमीटर में वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट जब आप टेम्परेचर को रीड कर रहे हो थर्मोमीटर में तो उसे अपनी आंख के सामने रख के उसे टिल्ट कीजिए ताकि चमकती हुई मरकरी आपको दिखाई दे हैंडल द थर्मोमीटर वि इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड सर्फेस इट कैन ब्रेक थर्मोमीटर को सावधानी से पकड़िए अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से वो टकराएगी तो टूट जाएगी डोंट होल्ड द द बल्ब रीडिंग रीडिंग इट को reading लेते वक्त उसके बल्ब पर मत पकड़िए ऐसा करने से आपका टेम्परेचर बढ़िया घट सकता है आपको रीडिंग सही नहीं मिलेगी ऐसा करने से तो ये कुछ प्रिकॉशन हैं जो हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते वक्त ध्यान रखने चाहिए वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विध एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एक एंटी सॉल्यूशन से हमें थर्मोमीटर को धोना चाहिए अगर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं है तो हम वाटर का यूज कर देते हैं जनरली थर्मोमीटर को धोने के लिए होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स थर्मोमीटर में अगर पहले से कुछ रीडिंग होती है तो उसे हम जोर से पकड़ के जर्क करते हैं झाड़ते हैं जिससे वो 35 डिग्री सेल्सियस वाले मार्क पर चला जाता है द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन इन दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस जर्क करने से मरकरी का लेवल नीचे जाएगा और आप उसे तब तक जर्क कीजिए जब तक मरकरी का लेवल थर्टी डिग्री सेल्सियस से नीचे न चला जाए नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग थर्मोमीटर का जो मेटेलिक पार्ट है जो चमकीला पार्ट है जो बल्ब है उसका उसे अपनी जीव के नीचे रखिए आफ्टर वन मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग अब उसे अपनी जीव के बाहर निकालकर हाथ में पकड़कर उसकी रीडिंग को नोट कीजिए दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर

स्टेटेड विधि यूनिट ध्यान दें यहाँ टेम्परेचर को टेम्परेचर के यूनिट के साथ बताया गया है, 37 नहीं बताया गया है 37 exactly 37. पहली ने भी अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया और उसने पाया की उसके बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्टली थर्टी सेवन नहीं आया तो वो घबरा गई आइए पहली को एश्योर करते हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं है एक्टिविटी 4.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स अ क्लिनिकल समस्टर अपने कुछ दोस्तों के बॉडी टेम्परेचर को मेजर कीजिए कम से कम दस मेजर कीजिए और उसे ऐसे एक टेबल में नोट डाउन कीजिए आपके दोस्त का नाम और उसका बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल फोर पॉइंट टू फोर में हम अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस तो अब जब आपने 10 लोगों के बॉडी टेम्परेचर को नोट किया तो क्या सभी लोगों का बॉडी टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो ऐसा नहीं होगा द टेंपरेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस हर आदमी के बॉडी का टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर ये कुछ लोगों में थोड़ा ज्यादा और कुछ में थोड़ा कम हो सकता है एक्चुअली वट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस हम जिसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कह रहे हैं 37 सेवन डिग्री सेल्सियस वो बहुत सारे लोगों के बॉडी टेम्परेचर का एवरेज है बहुत सारे हेल्दी लोगों के बॉडी टेम्परेचर का एवरेज है The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. जो clinical thermometer है ऊपर जो हमने figure में देखा, वो केवल human body के temperature को measure करने के लिए है। The temperature of human body normally does not go below 35 degree Celsius or above 42 degree Celsius. आमतौर पे ह्यूमन बॉडी का temperature 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। You got a naughty idea. ही वॉन्टेड टू मीजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर पहली स्टॉप डिम फ्रॉम डूइंग सो बूझो को एक आइडिया आया की क्यों न गर्म मिल्क का गर्म दूध का टेम्परेचर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर करें तो पहली नव उसे रोक लिया ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज ही है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक और हॉट मिल्क का टेम्परेचर उससे कहीं ज्यादा होगा और ऐसे केस में आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर टूट जाएगा वो इस चीज के लिए नहीं बना वो केवल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही बना है ऑप्शन डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी को छोड़कर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल नहीं करें ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम इट में ब्रेक और क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप सीधे सनलाइट में नहीं रखें या फिर किसी जलती चीज के पास नहीं रखें वो टूट सकता है फोर पॉइंट थ्री लेबोरेटरी थर्मोमीटर अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में जानेंगे कि उसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और उसके क्या फीचर्स होते हैं वो कहाँ तक टेम्परेचर नाप सकता है हाउ डू यू मीजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट अब दूसरे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को कैसे मीजर करेंगे तो हमारा अभी इस्तेमाल होगा लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज देर्मोमीटर्स तो इस काम के लिए अलग अलग थर्मोमीटर्स है वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर ऐसे ही एक थर्मोमीटर को हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं ये बहुत लंबा फिगर यहाँ पे दिखाया गया है द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर different types of thermometers are used for different purposes. The maximum and minimum temperature of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called maximum minimum thermometer. अलग अलग तरह के thermometers अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि एक दिन में maximum temperature कितना गया और minimum temperature कितना गया, जिसे weather reports में बताते हैं। उसके लिए एक थर्मोमीटर यूज होता है जिसे हम मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं यहाँ हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं आइए इसे देखें लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाइस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मीजर इस थर्मोमीटर को ध्यान से देखिए कि लोएस्ट ये कितना मेजर कर सकता है और हाइएस्ट कितना मेजर कर सकता है तो यहाँ बताया गया है कि द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम माइनस टेन डिग्री सेल्सियस टू हंड्रेड टेन डिग्री लेबोरेटरी थर्मोमीटर माइनस टेन से लेकर हंड्रेड टेन डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिविजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स तो जिस तरह हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच के डिविजन्स को काउंट किया था यहाँ भी अगर इसके डिविजन्स को काउंट करें तो हर डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको दस छोटे छोटे लाइन्स मिलेंगे दस डिविजन्स मिलेंगे बेसिकली यहाँ से यहाँ तक पाँच और यहाँ से यहाँ तक पाँच यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली आपको ये डिविजन वाली इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ताकि आप टेम्परेचर को करेक्टली मेजर कर सकें। लेट एस नाउ लर्न हाउस को किस तरह लेना है डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो देट द बल्ब इज इमर्ज इन द वॉटर बट डॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द कंटेनर लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम अपने उस बीकर या फिर मग के वाटर में डुबोएंगे कुछ इस तरह की जो जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो बीकर या मग के बेस को टच ना करे और साइड्स को भी टच ना करे होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। हमें अपने थर्मोमीटर को इस तरह से वर्टिकली पकड़ना है और मरकरी का जो भी मूवमेंट होगा थर्मोमीटर में उसे ऑब्जर्व करना है वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टीडी इस वर्टिकल पोजिशन में हम लोग तब तक रहेंगे जब तक मरकरी ऊपर बढ़ना रुक नहीं जाता स्थिर नहीं हो जाता नोट द रीडिंग दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वॉटर एट दैट टाइम जो रीडिंग हमें यहाँ मरकरी स्थिर होने के बाद स्टडी होने के बाद मिलेगी वो वॉटर का उस समय का टेम्परेचर होगा कॉम्पेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास क्लास में हर स्टूडेंट जिसने ये एक्टिविटी की उसके द्वारा कितना टेम्परेचर मीज़र किया गया इसे कंपेयर कीजिए आर देर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने टेम्परेचर को रीड किया इस लेबोरेटरी को यूज करके क्या उनमें कोई डिफरेंसेस है क्या उनमें कोई अंतर है डिस्कस द पॉसिबल लेट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन तो वेरिएशन का कारण क्या है और ये क्यों होते हैं इसे देखेंगे हम एक्टिविटी फोर पॉइंट फाइव में टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग एक मग या फिर एक बीकर में गर्म पानी लेंगे डिप द थर्मोमीटर इन वाटर और इस गर्म पानी में हम इस लैबोरेटरी थर्मोमीटर को डुबोएंगे वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टीडी एंड नोट द टेम्परेचर तो टैप वाटर की तरह ही जब मरकरी स्टीडी हो जाएगी स्थिर हो जाएगी तब हम टेम्परेचर का मेजरमेंट लेंगे नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर और अभी थर्मोमीटर को पानी से निकालेंगे ऑब्जर्व केयरफुली वॉट हैपन्स नाउ और अभी ध्यान से देखेंगे की थर्मोमीटर में क्या हो रहा है डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वॉटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिनस टू फॉल तो हॉट वाटर से जैसे ही हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे हम ये देखेंगे कि मरकरी का लेवल थर्मोमीटर में अचानक से नीचे जाने लगेगा दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रेड द थर्मोमीटर इज इन वाटर इसका ये मतलब है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर जब गर्म पानी में था हमें रीडिंग तभी लेनी चाहिए थी थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालकर उसकी सही रीडिंग नहीं आएगी थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालने के बाद मरकरी नीचे को आने लगेगा और हमें सही रीडिंग नहीं मिलेगी यू मेरे कॉल दैट वाइल टेकिंग आवर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग आपको याद होगा जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर नाप रहे थे तब हमें थर्मोमीटर में टेम्परेचर की रीडिंग लेने के लिए थर्मोमीटर को अपने मुंह से बाहर निकालना होता था उसके बाद हम थर्मोमीटर में देखते थे कि कितना टेम्परेचर आया है लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा नहीं है इस केस में हमें रीडिंग तभी लेनी होती है जब थर्मोमीटर उस चीज के कॉन्टेक्ट में होता है कैन यू देन यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मीजर योर बॉडी टेम्परेचर तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में ये जानने के बाद क्या आप बता सकते हैं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज किया जा सकता है बॉडी टेम्परेचर को मीजर करने के लिए तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से एक्यूरेटली बॉडी टेम्परेचर मीजर नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज ऑब्वियसली लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर नापना आसान नहीं होगा कन्वीनियंट नहीं होगा डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर वेन टेकन आउट ऑफ द माउथ तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में मरकरी नीचे क्यों नहीं जा रही थी जिस तरह लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ये गर्म पानी से बाहर निकालते ही नीचे चली गई ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब फिगर फोर पॉइंट सिक्स यह फिगर फोर पॉइंट सिक्स तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में हमें एक किंक मिलता है एक गांठ मिलती है जो बल्ब के पास होती है और यही वो गांठ है जो मरकरी के लेवल को नीचे आने से रोकती है वट इज द यूज ऑफ द किंक तो इस गांठ का क्या काम है इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में जिस तरह मरकरी का लेवल अपने आप ही नीचे गिरने लगा था क्लिनिकल थर्मोमीटर में ये किंक ये गांठ इसे प्रिवेंट करती है रोकती है देर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स थर्मोमीटर में मरकरी के यूज को लेकर काफी चिंता है मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स मरकरी एक जहरीला सब्सटेंस है और जब थर्मोमीटर टूटता है और वहां से जो मरकरी निकलती है उसे डिस्पोज करना काफी डिफिकल्ट है दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी आजकल कुछ इस तरह के डिजिटल थर्मोमीटर मार्केट में अवेलेबल है जो मरकरी का इस्तेमाल नहीं करते 4.4 ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ हीट हीट अब जानेंगे के बारे में। आपने देखा होगा जब फ्लेम पे पैन को रखा जाता है तो वह गर्म हो जाती है इट इज बिकॉज द हीट पास फ्रॉम द फ्लेम टू यूटेंसिल ऐसा इसलिए होता है कि फ्लेम से जो गर्मी निकल रही है वह बर्तन में चली जाती है वेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन और जब आग से पैन को हटा लिया जाता है तो पैन वापस से ठंडी हो जाती है वाई डज इट कूल डाउन तो अभी पैन गर्म क्यों हुई और फिर से ठंडी कैसे हो गई द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग पैन जब गर्म हो रही थी तो फ्लेम का हीट पैन को गर्म कर रहा था अभी पैन ठंडी हो रही है तो पैन से निकला हीट सराउंडिंग एयर में जा रहा है सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट तो पैन के गर्म होने में या पैन के ठंडे होने में दोनों ही केस में जो गर्मी है जो हीट है वो एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो कर रही है जैसे कि पैन जब गर्म हो रही थी तो हीट फ्लेम से जो कि ज्यादा गर्म है पैन में जा रही थी एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में जा रही थी वहीं पैन जब ठंडी हो रही है तो पैन गर्म है और सराउंडिंग एयर ठंडा है तो गर्म पैन से हीट ठंडे सराउंडिंग में जा रही है तो इन दोनों ही केस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि हीट हमेशा एक गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में जाती है इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट वास्तव में सभी केसेस में हीट हमेशा एक गर्म ऑब्जेक्ट से एक ठंडे ऑब्जेक्ट में जाती है हाउ डज हीट हीट फ्लो फ्लो इन्वेस्टिगेट कैसे करती है आइए इसे देखें एक्टिविटी फोर पॉइंट सिक्स टेक और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन एक मेटल स्ट्रिप लेना है हमें कुछ इस तरह का जो कि एल्यूमिनियम या आयरन का बना हो प्रेफरेबली फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड हमें इस रॉड पे कुछ इस तरह के मोम के पीसेस लगाने हैं दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस ये पीसेस इक्वल डिस्टेंस पे लगाए जाने चाहिए क्लैंप द रॉड टू अ स्टैंड स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स इस मेटल पीस को एक स्टैंड पर लगाना है अगर हमारे पास स्टैंड नहीं है तो हम दो ईट के बीच में भी इस रख सकते हैं नाउ हीट अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व हमें इस रॉड के एक दूसरे सिरे को इस तरह मोमबत्ती से गर्म करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है वॉट हैपन्स टू दैक्स पीसेस डू दीज पीसेस बिगेन टू फॉल आप देखेंगे की रॉड को गर्म करने के साथ ही ये मोम के पीसेस पिघलने शुरू होंगे और नीचे गिरने लगेंगे विच पीस फॉल्स द फर्स्ट तो आप देखेंगे जो सबसे नजदीक वाला पीस है वो सबसे पहले गिरेगा और बाद वाला पीस उसके बाद डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड तो दहाँ इस केस में इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चलता है कि कैंडल के सबसे नजदीक वाला जो वैक्स पीस था वो जल्दी गर्म हुआ और जो सबसे बाद वाला वैक्स पीस होगा वो देर से गर्म होगा द प्रोसेस बाई विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन तो ये प्रोसेस जिससे एक ज्यादा गर्म एंड से एक कम गर्म एंड तक हीट ट्रांसफर हो रही है इसी प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते हैं आप ध्यान रखें कि अगर हीट आपके सिलेबस में है तो आपसे कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन जरूर ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो आप इन तीनों के डेफिनेशन इन तीनों के डिफरेंसेस जरूर ही याद करें और समझें इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाई द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन कंडक्शन का जो ये प्रोसेस है वो जनरली सॉलिड्स में होता है जैसे कि यहाँ पे जो इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है एक सॉलिड मेटल रॉड को लिया गया था जो कि अल्यूमिनियम या फिर आयरन का था तो कंडक्शन जनरली सॉलिड्स में होता है डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट easily? क्या सभी सब्सटेंस हीट कंडक्ट कर पाते हैं यू मस्ट है मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल आपने देखा होगा जिस पैन में खाना बनाया जाता है उसका हैंडल प्लास्टिक या फिर लकड़ी का होता है कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट तो हम ये देखते हैं कि हैंडल से पकड़कर गर्म पैन को आसानी से उठाया जा सकता है वही अगर पैन में हैंडल नहीं लगा होता तो गर्म पैन को उठाते वक्त हमारा हाथ जल जाता एक्टिविटी 4.7 हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर एक छोटे पैन या बीकर में पानी गर्म करेंगे कलेक्ट सम सच एज स्टील स्पून प्लास्टिक स्केल पेंसिल एंड डिवाइडर इन चीजों को इकट्ठा करेंगे स्पून प्लास्टिक स्केल पेंसिल और डिवाइडर को डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल्स इन हॉट वाटर वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स टच द अदर एंड एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3 तो यहाँ है टेबल 4.3 एक एक ऑब्जेक्ट जो हमने लिया है उसे गर्म पानी में डुबोने के बाद क्या उसके दूसरे सिरे तक गर्मी हमें महसूस हो रही है इस बात को यहाँ इस टेबल में नोट करना है तो जैसे कि स्टील स्पून जो हमने लिया वो मेटल का बना था और उसके दूसरे एंड तक हमें गर्मी महसूस होगी जब हम उसे गर्म पानी में रखेंगे उसी तरह प्लास्टिक स्केल प्लास्टिक का बना है और उसके दूसरे सिरे तक हमें गर्मी महसूस नहीं होगी पेंसिल जो कि वुड का बना है उसके भी दूसरे सिरे तक हमें गर्मी महसूस नहीं होगी तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं 4.3 को। मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट वैसे मटेरियल्स जो अपने से होके हीट को पास करने देते हैं वे कंडक्टर्स कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम आयरन एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दम इजिली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वूड पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स वैसे मटेरियल्स जो अपने से होके हीट को पास नहीं करने देते हैं उन्हें हम पुअर कंडक्टर्स कहते हैं और पुअर कंडक्टर्स को ही इंसुलेटर भी कहा जाता है तो आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर में डिफरेंस बता सकते हैं तो यहाँ से आपसे कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंसेस है ये पूछा जा सकता है द वॉटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट वॉटर और एयर से होके हीट आसानी से पास नहीं होता इसलिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है देन हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस लेट एस फाइंड आउट तो जो की वॉटर और एयर हीट का पुअर कंडक्टर है तो इनसे होके हीट कैसे पास करती है आइए इसके बारे में देखें एक्टिविटी फोर पॉइंट एट में take a round bottom flask if flask is not available a beaker can be used flask आप नीचे की figure में देखेंगे यह है flask और इसका जो बॉटम है वो गोला है तो इसे ही राउंड बॉटम फ्लास्क कहा जा रहा है और अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है तो आप इस तरह के बीकर्स भी यूज कर सकते हैं जो हमें लैब में मिलते हैं fill it 2/3 with water इस फ्लास्क को हम दो तिहाई भर देंगे टू थर्ड तक भर देंगे पानी से प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाई प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट इस फ्लास्क को एक ट्राईपोड पे या फिर कुछ इस तरह रखेंगे कि इसके नीचे हम एक कैंडल लगाकर इसे गर्म कर सकें वेट टिल द वॉटर इन द फ्लास्क इज स्टिल इंतजार कीजिए जब तक फ्लास्क के अंदर का पानी स्थिर है प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ एक स्ट्रॉ की मदद से इसके बॉटम पे हम पोटेशियम पर मैगनेट रखेंगे नाउ हीट द वाटर बाई प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल फ्लास्क के बॉटम में पोटेशियम पर मैगनेट का क्रिस्टल है और इसके जस्ट नीचे हम कैंडल लगाकर इस चीज को गर्म करेंगे राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वट यू ऑब्जर्व आपने जो भी देखा उसे अपनी कॉपी में लिखिए और उसकी एक ड्राइंग भी बनाइए एक पिक्चर बनाइए वेन वाटर इज हीटेड द वॉटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट जब पानी को गर्म किया जाएगा तो फ्लेम के नजदीक जो पानी का हिस्सा है वो गर्म होगा हॉट वाटर राइज द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट आप देखेंगे पोटेशियम पर मैगनेट रखने के बाद कि यहाँ जो फ्लेम के नज़दीक का पानी है वो गर्म होगा और ऊपर की ओर उठेगा और जो बगल का पानी है वो इस खाली जगह को भरने के लिए यहाँ से कुछ इस तरह आएगा दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस और इनके साइड से आया हुआ पानी भी गर्म होगा और वह भी ऊपर को उठेगा एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन और फिर बगल में जो पानी है वो इस जगह को भरने के लिए वापस आएगा और इस तरह का साइकिल चलेगा दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक पूरे फ्लास्क में रखा पानी गर्म ना हो जाता है दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन और इस तरह से हीट के ट्रांसफर होने को कन्वेक्शन कहते हैं हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर हमने सॉलिड में हीट ट्रांसफर देखा वाटर में हीट ट्रांसफर देखा अब एयर में हीट किस तरह ट्रांसफर होता है वह देखेंगे इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो आपने धुआं देखा होगा वह किस डायरेक्शन में जाता है तो धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाता है और धुआं कैसा होता है वो गर्म होता है इससे हमें ये पता चलता है कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की ओर जाती है द एयर नियर हीट सोर्स हॉट एंड जहाँ कहीं भी गर्मी का सोर्स होता है हीट सोर्स होता है वहां की हवा गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर बढ़ती है द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस और जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो गर्म हवा के साइड में जो भी एयर है वो उस खाली जगह को भरने के लिए वहां से आता है दिस वे द एयर गेट्स हीटेड द फॉलोइंग एक्टिविटी कंफर्म्स दिस आइडिया तो हवा इस तरह से गर्म होती है और इसे हम देखेंगे एक्टिविटी फोर पॉइंट नाइन में लाइट अ कैंडल कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम एक कैंडल जलाकर अपना एक हाथ कैंडल के जस्ट ऊपर रखेंगे और एक हाथ इस तरह साइड में रखेंगे डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट तो क्या आपके दोनों हाथ में गर्मी समान रूप से महसूस हो रही है एक जैसी महसूस हो रही है इफ नॉट विच हैंड फील्स एंड अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा हाथ आपका ज्यादा गर्मी महसूस कर रहा है और कौन सा कम नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाई कन्वेक्शन बाई द वे कन्वेक्शन हमेशा फ्लूइड्स में होता है जैसा हमने यहाँ वाटर में देखा वैसे ही कन्वेक्शन यहाँ एयर में भी होगा और कैंडल के पास का एयर गर्म होता जाएगा और ये ऊपर की ओर उठेगा और हमें हाथ में गर्मी महसूस होगी देअर फोर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट और यही कारण है कि ऊपर वाले हाथ में गर्मी ज्यादा महसूस होगी कन्वेक्शन के कारण ऑन हाउएवर इज नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप तो जैसा टॉप पे कन्वेक्शन हो रहा है वैसा कन्वेक्शन साइड्स में नहीं हो रहा इसलिए आपको टॉप में ज्यादा गर्मी महसूस होगी बगल वाले के मुकाबले द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फेनोमेना ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वॉटर जो लोग समुद्री इलाके में रहते हैं वहाँ एक इंटरेस्टिंग फनमिना होता है वो ये कि दिन के समय जो जमीन है वो ज्यादा गर्म होती है पानी के मुकाबले द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड अप तो लैंड के ऊपर जो भी एयर है वो गर्म हो जाती है और ऊपर को जाती है द कूलर एयर फ्रॉम द सी इन रूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस समुद्र के ऊपर का पानी जो ठंडा है वो लैंड के ऊपर के खाली एयर के जगह को भरने के लिए आती है द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल और ये गर्म एयर जो कि ऊपर उठा था वो सी वाले खाली एयर के स्पेस को भरने के लिए जाता है और ये साइकिल इस तरह चलता रहता है द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूअर्ड द सी टू कम्प्लीट द साइकिल द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज और ये जो ठंडी हवा समुद्र की ओर से आती है इसे ही हम सी ब्रीज कहते हैं टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी समुद्र से जो ठंडी हवा आती है उसे महसूस करने के लिए उसका आनंद लेने के लिए समुद्री इलाकों में जो घर बनाए जाते हैं उनकी खिड़की हमेशा समुद्र की तरफ होती है एट नाइट इट इज एग्जैक्टली द रिवर्स लेकिन रात में इसका बिल्कुल उल्टा होता है द वॉटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड रात में पानी धीरे धीरे ठंडा होता है और जमीन जल्दी ठंडा होता है सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज और रात के समय ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ जाती है और इसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं When we come out in इन sun, वी फील warm. जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तब हमें गर्मी लगती है हाउ डज sun फ्रॉम us? तो ये जो सूरज की गर्मी है ये हम तक कैसे पहुंचती है इट reach us बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन एज there इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस between अर्थ एंड द सन तो सूरज से निकली गर्मी हम तक कंडक्शन या कन्वेक्शन से तो नहीं पहुंच सकती क्योंकि सूरज और हमारे बीच में काफी ऐसा खाली जगह है जहां पे हवा नहीं है और यहाँ से एक बात ये भी नोट करने वाली है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के होने के लिए एक मीडियम का होना जरूरी है वो मीडियम सॉलिड हो लिक्विड हो या गैस हो लेकिन जनरली कंडक्शन सॉलिड में होता है और कन्वेक्शन के लिए हमें फ्लूड चाहिए या तो लिक्विड या गैस अब यहाँ सवाल है कि सन का जो हीट है वो हम तक कैसे पहुँचता है तो इसके लिए एक अलग मोड है हीट ट्रांसफर का जिसे हम रेडिएशन कहते हैं आइए इसके बारे में जानें तो यहाँ जो हमने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज पढ़ा है उसके लिए बड़े अच्छे इमेजेस दिए गए हैं दिन के समय जब जमीन ज्यादा गर्म है तो यहाँ की हवा ऊपर गई और यहाँ जो खाली जगह बना उसे भरने के लिए समुद्र से ठंडी हवा आती है और यहाँ ये यह खिड़कियाँ बनी हैं ताकि इस ठंडी हवा का आनंद ले सके ये घर वाले और रात के समय का ये सीन है कि जमीन ज्यादा ठंडी हो गई और समुद्र का पानी अभी भी गर्म है तो यहाँ से ठंडी हवा समुद्र की ओर जा रही है तो ये लैंड ब्रीज है ये सी ब्रीज है सी से हवा आ रही है इसलिए सी ब्रिज लैंड से हवा जा रही है इसलिए लैंड ब्रीज दिन के समय ठंडी हवा आती है रात के समय ठंडी हवा जाती है। है है, आइए देखें सन सन से से हीट कैसे पहुंचती पहुंचती हम हम तक। तक जो गर्मी हम तक पहुंचती है, वो रेडिएशन से पहुंचती है हम कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन में एक कंपैरिजन देखेंगे इसके कंप्लीट होने के बाद द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम रेडिएशन से हीट के ट्रांसफर को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती मीडियम जैसे कि सॉलिड लिक्विड और गैस तो इन चीजों की जरूरत नहीं होती अगर रेडिएशन से हीट को ट्रांसफर होना है इट कैन टेक प्लेस वेदर मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट ये radiation तब भी हो सकता है सामने बैठते हैं तो हमें गर्मी रेडिएशन से महसूस होती है अट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज ए ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग बाई रेडिएशन एक गर्म बर्तन ठंडा हो जाता है क्योंकि वो रेडिएशन से अपने सराउंडिंग एयर में हीट ट्रांसफर करता है सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट रेडिएशन हमारा शरीर भी जब गर्म होता है तो हीट रेडिएट करता है सराउंडिंग्स में और सराउंडिंग से हीट रेडिएशन से रिसीव भी करता है ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट जितने भी गर्म चीजें हैं वे हीट रेडिएट करते हैं रेडिएशन के माध्यम से रेडिएशन के मीडियम को यूज करके हीट को स्प्रेड करते हैं वेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड अ पार्ट ऑफ इट इज एब्सॉर्ब एंड अ पार्ट में रेडिएटेड हीट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो उस हीट का एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है एक हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका एक पार्ट ट्रांसमिट भी हो सकता है मतलब फैल सकता है द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इनक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट रेडिएशन से रिसीव्ड हीट का जो हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया उसी से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला वेन यू गो आउट इन द सन तो जब आप खुली धूप में बाहर निकलते हैं तो आपको अम्ब्रेला यूज करने क्यों कहा जाता है ताकि आप इस सन के रेडिएशन से बच सकें 4.5 पॉइंट फाइव काइंड ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर किस तरह के कपड़े हम गर्मी में या फिर विंटर के समय पहनते हैं इससे पहले आइए देखें कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एक कॉम्पेरिजन चार्ट तो मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस बताने की कोशिश की है आइए इसे देखें सबसे पहला डिफरेंस है कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन में कि कंडक्शन में हीट जो ट्रांसफर होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है जिस तरह हम आयरन रॉड को या स्ट्रिप को गर्म कर रहे थे या फिर जब फ्राइंग पैन हीट होता है तो फ्लेम डायरेक्टली फ्राइंग पैन को गर्म करती है कॉन्टेक्ट में होते हैं दोनों फ्लेम और फ्राइंग पैन तो पॉइंट है कि कंडक्शन के लिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जरूरी है और ये कंडक्शन जनरली सॉलिड्स में होता है जैसा कि हमने फ्राइंग पैन या मेटल रॉड के केस में देखा है अगला है कॉन्वेक्शन कॉन्वेक्शन में हीट जो पास होता है वो फ्लूइड्स में होता है और इसे हमने देखा है लिक्विड और गैसेस में वाटर में और एयर में अपने एक्सपेरिमेंट में अपनी एक्टिविटीज में हमने ये देखा है तीसरा मोड है हमारा रेडिएशन रेडिएशन में हीट जो फ्लो होता है वो एम स्पेस में होता है इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होता है जैसे कि लाइट सन से जो हीट हम तक पहुंचती है वो लाइट के थ्रू पहुंचती है सनलाइट के थ्रू पहुंचती है और लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आइए देखें अगला डिफरेंस कंडक्शन के होने का कारण टेम्परेचर डिफरेंस है जैसा कि हमने अपने मेटल स्ट्रिप में देखा कि हम जब उसके एक सिरे को गर्म करते हैं तो हीट धीरे धीरे दूसरे सिरे तक जाती है दूसरा सिरा पहले ठंडा था एक सिरा गर्म होता है तो ये टेम्परेचर में डिफरेंस है दोनों सिरे में इसलिए कंडक्शन के माध्यम से हीट ट्रांसफर हो रही है तो कंडक्शन के होने का कारण है टेम्परेचर डिफरेंस वही अगर कन्वेक्शन का कारण देखें तो कन्वेक्शन के होने का कारण है डेंसिटी में डिफरेंस डेंसिटी में डिफरेंस से मतलब ये कि अगर हम एयर का एग्जाम्पल लें तो हवा जब गर्म होती है तो ऊपर को जाती है और गर्म हवा हल्की भी होती है और जब हवा किसी खास जगह से ऊपर चली गई तो यहाँ एक खाली जगह बनती है और जहां हवा ठंडी है वहां पूरी घनी हवा है उसकी डेंसिटी पूरी है लेकिन यहाँ जब कुछ हवा ऊपर चली गई तो यहाँ की डेंसिटी कम हो जाती है तो ज्यादा डेंसिटी की हवा कम डेंसिटी वाले हवा को भरने के लिए आती है कंडक्शन का कारण यही है यहां मैंने एयर का एग्जाम्पल लिया है आप वाटर का एग्जाम्पल में भी देखेंगे तो सेम चीज ही हो रही है अगर हम रेडिएशन का कारण देखें तो रेडिएशन हर ऑब्जेक्ट से होता है जो जो भी गर्म ऑब्जेक्ट है वो हीट रेडिएट करेगी अगर फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट एट टेम्परेचर ग्रेटर देन एब्सोल्यूट जीरो मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जीरो से ज्यादा है वो हीट रेडिएट कर रही है और कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन से हीट किस स्पीड से ट्रांसफर होती है उसके बारे में है कि कंडक्शन से जो हीट ट्रांसफर होता है वो धीरे-धीरे होता है ये प्रोसेस स्लो है अगला है कन्वेक्शन कन्वेक्शन से भी जो हीट ट्रांसफर होता है वो भी स्लो है लेकिन कंडक्शन से तेज है और रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर होता है वो तेजी से होता है ये फास्ट है तो मुझे उम्मीद है आपको कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन में डिफरेंसेस पता चले होंगे आइए हम अपने चैप्टर पे वापस चलते हैं हम देख रहे हैं सेक्शन 4.5 पॉइंट यहाँ हम काइंड ऑफ क्लोथ के बारे में देखने वाले हैं जो हम गर्मी के दिनों में और ठंडी के दिनों में पहनते हैं यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ एंड इन विंटर वी यूजली वियर डार्क कलर्ड क्लोथ वाई इज इट सो लेट एस फाइंड आउट गर्मी के दिनों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं वहीं ठंड के दिनों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं डार्क कलर्ड क्लोथ पहनते हैं ज्यादा रंगीन कपड़े पहनते हैं ऐसा क्यों है आइए पता करें इस करेंटिविटी में टेक टू आइडेंटिकल टिन कैन टिन से बने दो कैन लेने हैं पेंट द आउटर सर्फेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट एक कैन के बाहरी सर्फेस को काले रंग से रंग देंगे दूसरे को उजले रंग से कैन में बराबर मात्रा में पानी भरेंगे और दोपहर की धूप में उन्हें एक घंटे के लिए बाहर रख देंगे मेजर द दे टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस एक घंटे के बाद दोनों ही कैन में पानी कितना गर्म है यह मेजर करेंगे डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेज इन द टेम्परेचर तो आपको दोनों ही कैन के टेम्परेचर ऑफ वाटर में डिफरेंस मिलेगा अंतर मिलेगा काले वाले कैन का पानी ज्यादा गर्म मिलेगा आपको और उजले वाले कैन का पानी आपको कम गर्म मिलेगा इन विच कैन इज द वॉटर वार्मर तो हमें काले वाले कैन में वार्मर वाटर मिला यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू कैन इन दोनों ही कैन के टेम्परेचर डिफरेंस को आप छोकर भी महसूस कर सकते हैं एक्टिविटी फोर पॉइंट वन वन अभी इन्हीं दोनों कैन को लेंगे और इनमें डिग्री सेल्सियस पे गर्म पानी दोनों में भर देंगे लीव द कैंस इन रूम और इन शेड इन दोनों कैन को एक छांव वाली जगह में या फिर एक कमरे में रख देंगे

तो इन एक्टिविटीज़ को करके आपको पता चलेगा कि हमें गर्मी के दिनों में हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए और ठंडी के दिनों में गहरे रंग के या फिर डार्क कलर्ड क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए ऐसा इसलिए है कि डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्व मोर हीट एंड देयर फोर वी फील कम्फर्टेबल विथ डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर तो जो डार्क कलर्ड क्लोथ्स हैं वे ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करते हैं इसलिए हमें ठंडी के दिनों में विंटर सीजन में अच्छा लगता है हमें गहरे रंग के कपड़े डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए वहीं अगर गर्मी के दिनों की बात करें तो लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयर फोर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग दैम इन समर जो हल्के रंग के कपड़े हैं वे ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं इसीलिए हमें गर्मी के दिनों में ऐसे कपड़े पहनना आरामदायक लगता है वुलन क्लोथ्स कीप इन विंटर हमने ये भी देखा है कि ऊनी कपड़े हमें ठंडी के दिनों में गर्म रखते हैं ऐसा क्यों होता है आइए ये जाने इन दिन वी यूज ठंड के दिनों में हम वुलन क्लोथ्स यूज करते हैं वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट वूल हीट का पुअर कंडक्टर है मतलब ये वूल अपने से होके हीट को पास नहीं करने देता मोर ओवर देर इज अ ट्रैप्ड एयर इन बिटवीन द वूल फाइबर्स उनके फाइबर्स के बीच में हवा फंसी हुई होती है दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स ट्रैप्ड एयर फंसी हुई हवा हमारे शरीर के हीट को बाहर सराउंडिंग में नहीं जाने देता प्रिवेंट करता है रोकता है सो वी फील वार्म इसलिए हम गर्मी महसूस करते हैं ठंड के दिनों में सपोज यू आर गिवेन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग इधर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर वट वुड यू चूज एंड अगर आपको चॉइस दिया जाता है कि आपको एक मोटी कम्बल दी जाएगी या फिर दो पतले कम्बल दिए जाएंगे तो आप क्या चुनेंगे और क्यों तो हमें दो पतले कम्बल चुनने चाहिए क्योंकि दो पतले कम्बल के बीच में हवा ट्रैप्ड होगी और वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है उससे हमारे शरीर का जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और हमें ज्यादा गर्मी महसूस होगी तो एक मोटे कंबल के बजाय हमें दो पतले कम्बल चुनने चाहिए रिमेंबर दैट देर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स दो पतले कंबल के बीच में एक हवा का लेयर होगा जो एक मोटे कंबल से ज्यादा